हेलो एवरीवन, दिस इज़ उज्ज्वल हेयर। और आज की वीडियो की जो शुरुआत होगी वो एक ऐसे क्वेश्चन से होगी जिसका आज तक काफ़ी लोग जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं, इवन मैं भी नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वीडियो बनाने की सोची। तो वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस? खुशी, खुशी बेसिकली क्या है? ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी इन योर लाइफ, राइट? सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें अपनी ज़िंदगी में खुशी मिल सके और थोड़ा सुकून मिल सके? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को उठाते हुए मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टोरी डाली जिसमें मैंने लिखा व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, राइट? तो जिसने भी देखी उनके रिस्पॉन्सेज आए, काफ़ी लोगों ने देखी पर रिस्पॉन्सेज उतने नहीं आए, कोई बात नहीं। तो रिस्पॉन्सेज कितने आए, 10-15 रिस्पॉन्सेज आए जिसमें से काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी ठीक ठीक थे और काफ़ी लेवल के भी नहीं थे। तो एक पबजी वाला भी आया और एक का आया ट्रैवलिंग, राइट? कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग अच्छा, घूमना फिरना, अलग अलग जगह जाना अच्छा लगता होगा, खुशी मिलती होगी। और किसी का आया बाइंग न्यू थिंग्स, डजंट मैटर द कॉस्ट, राइट? मोर और लेस कि चीज़ें खरीदना, उसकी कॉस्ट नहीं देखनी, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, हमें चाहिए अपनी खुशी के लिए चाहिए। पर दो चार दिन की खुशी या दो चार घंटे की खुशी के लिए हम पैसे वेस्ट कर दें, चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच है, ठीक है। तो एक का आया द थिंग्स दैट डोंट मेक मी सैड, पॉलिटिकल सा हो गया ना, कोई बात नहीं। एक का बहुत अच्छा आया, एक का आया When I see someone smiling because of me, ठीक है, ये थोड़ा अलग था। बाकी जो जितने भी responses आए वो थे थोड़े materialistic से, ठीक है, materialism बहुत ज़्यादा दिखा उसमें मुझे। पर ये जो एक ऐसा response था वो इसमें मुझे बिल्कुल भी materialism नहीं दिखा, materialistic बिल्कुल नहीं था ये। और तो ये तो रही लोगों के perception की बात, that how they perceive the concept of happiness in their life, right? तो किसी को घूमने में खुशी मिलती है, अलग अलग जगह पर घूमने जाना, 10-15 दिन रह कर आना, और किसी को अपने घर में बैठकर सोने में, किसी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ रहने में खुशी मिलती है, तो किसी को रोज़ पार्टीज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नए नए उसमें जाकर खुशी मिलती है, ठीक है। किसी को ड्रेसेस में, तो किसी को फूड में, किसी को मूवीज़ में, किसी को वेब सीरीज़ में, किसी को शॉपिंग में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में खुशी मिलती है हमें, राइट? दुनिया है, बहुत बड़ी है, उतने ही बड़े शौक हैं और उतने ही बड़े तौर तरीके हैं अपनी अपनी खुशी ढूंढने के। पर मेरे हिसाब से क्या है, एज पर माई ओपिनियन, ऑल दीज आर वर्ल्डली प्लेजर्स एट सेंसोरियल लेवल। आप ज़रा खुद ही सोच कर देखिए, आज जो हमने डोसा, इडली, बर्गर, पिज़्ज़ा खाया वो हमारे पास कल रहेगा, परसों रहेगा? वो हमने आज खाया, हमें आज के लिए 2 घंटे के लिए खुशी मिल गई, हमारे दिल को सुकून मिल गया कि हमने बहुत अच्छा खाना खा लिया, बहुत अच्छा डिनर कर लिया, लंच कर लिया, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, पर कल तो नहीं रहेगा ना हमारे पास। आज जो हमने पार्टी के लिए ड्रेस पहनी, एक अच्छी ब्रांड न्यू सिल्क डिज़ाइनर ड्रेस पहनी, कुर्ता पजामा पहना या साड़ी किसी ने पहनी, वो ड्रेस दोबारा 1 साल बाद किसी फंक्शन में पहनी जाए, आज जितनी खुशी तो नहीं मिलेगी ना, राइट? तो हमें कंसेप्ट जो है हैप्पीनेस का, अपनी हैप्पीनेस का कंसेप्ट इन वर्ल्डली प्लेजर्स पर, एक सेंसोरियल लेवल पर ना रहकर एक हाई लेवल पर पहुंचाना है, एक लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस डेवलप करनी है। और वो किस पर डेवलप करनी है, अपने माइंडसेट, अपनी मेंटालिटी पर, ना कि इन वर्ल्डली प्लेजर्स पर, ठीक है। और एक बात यहाँ नोट करने की है कि ये जो प्लेजर्स हैं 2-4 मिनट के, 2-4 दिन के, ये आगे जाकर एडिक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं। पर एडिक्शन का हम सभी को पता है कि कितने ज़्यादा नुकसान हैं और कितने ज़्यादा फ़ायदे, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स, ये तो बहुत हाई लेवल के हो गए,
पर रूट लेवल पे, लो लेवल पे हमारे आसपास देखें तो मोबाइल फोन्स, इवन कि जंक फूड, और एक बहुत मतलब कि फैला हुआ जो है वो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। एक पोस्ट पर जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतनी ज़्यादा हमें खुशी मिलेगी, अगर लाइक कम आए तो हम उदास हो जाएंगे, किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, अपने आप को सबसे डिसकनेक्ट करना शुरू कर देंगे, राइट। तो ये सब फ़ायदे हैं या नुकसान आप उसको पता ही है, ठीक है। एट लास्ट कीप ओनली वन पॉइंट इन योर माइंड दैट योर हैप्पीनेस इज कनेक्टेड विद योर ओन माइंडसेट, विद योर ओन मेंटालिटी, विद योर ओन perception of happiness, that how you perceive the things and the incidents that are happening around you every time, right? And with this, thank you very much, hope you liked the video, and if you like, just do subscribe our channel and click the bell icon for upcoming notifications of the videos, and do share your experiences of how you perceive the concept of happiness in your life in the comment section below. Thank you.